हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ठीक है, इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट. अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की. क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? वेजिटेटिव मीन्स कोई भी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म. जब एक प्लांट की फॉर्मेशन होती है अदर देन सीड, किसी सीड को छोड़ के किसी और पार्ट की हेल्प से अगर प्लांट, न्यू इंडिविजुअल, न्यू प्लांट फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ठीक है, इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट विल फॉर्म फ्रॉम द अदर पार्ट्स एक्सेप्ट सीड. सीड को छोड़ के अगर रूट से, स्टेम से, लीव से, बर्ड से, किसी भी चीज से अगर न्यू प्लांट फॉर्म होता है, उसको हम बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, राइट. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बेसिकली जो है दो टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज नेचुरल और दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल, जो मैन मेड है, जो हम करवाते हैं आर्टिफिशियल. ठीक है, तो हम नेचुरल की बात करते हैं जो By God, we have given to God, जो naturally होते हैं plants के अंदर. That is first one होता है आपका roots की help से, जो new individual form हो रहा है with the help of roots. It's common. Root की help से new individual form होना, it's a common process. ठीक है, रूट ले लिए, एडवेंचरस रूट्स होती हैं, उसको सॉइल में लगा दिया जाता है और वहां से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है. ये होता है आपके डहलिया में और यू कैन से एस्पैरेगस. ठीक है, इट इज जनरली फाउंड इन डहलिया, एस्पैरेगस, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा, राइट. फिर हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट जो आपकी इसकी टाइप है, ये होती है फर्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ रूट्स, सेकंड होता है विद द हेल्प ऑफ स्टेम, स्टेम की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ रूट्स. नाउ इफ न्यू इंडिविजुअल फॉर्म, अगर एक प्लांट फॉर्म हो रहा है स्टेम की हेल्प से, तो उसको बोला जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेम. दैट इज फाउंड इन बनाना. ठीक है, वो बनाना में पाया जाता है, बनाना एंड बनाना स्टेम्स. ठीक है, फिर हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो होता है विद द हेल्प ऑफ लीव्स. अब क्या होता है इन केस ऑफ ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम के केस में क्या होता है कि जो लीफ होता है आपका, सिंपल दिस इज अ लीफ, तो नीफ के जो नॉड्स होते हैं जहां पे आपकी वेन्स एंड होती हैं, वहां पे एक लिटिल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन से बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाने लगता है. दैट इज अ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ब्रायोफाइलम. ठीक है, एक लीफ लाइक और बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, और अगर पार्ट को आप ब्रेक डाउन करके सॉइल में सो करते हो, तो यहां से फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट एक न्यू प्लांट क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा. एंड एग्जाम्पल इज ब्रायोफाइलम. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ, इसका टाइप आता है विद द हेल्प ऑफ, यू कैन सी हियर, बुलबिल्स. ये क्या है, एक सॉफ्ट बड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट की बॉडी के अराउंड आ जाता है. जैसे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बड फॉर्मेशन पढ़ी थी, उसी तरीके से बल्बिल्स क्या होती हैं, एक स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट बड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट की बॉडी के अराउंड आ जाता है. ठीक है, और उससे क्या हो जाता है, जब वो ब्रेक डाउन होके बाहर सॉइल में चला जाता है, तो उससे क्या है, एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है. दैट इज प्रेजेंट इन एगावा, एग्जाम्पल इज एगावा. क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल
हम डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या थी. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट विल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एनी अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एक्सेप्ट सीड. सीड को छोड़ के किसी भी और पार्ट से अगर प्लांट को प्लांट न्यू प्लांट फॉर्म कर पा रहा है उसमें हम बोल देंगे दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. क्लियर? नाउ इसमें क्या है? इसमें है टाइप में टू टाइप्स होती हैं इसकी, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल में हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रूट्स की. एडवेंचरस रूट्स होती हैं. रूट्स निकाल के अगर आप सॉइल में सो कर देंगे प्लांट का और कोई पार्ट नहीं है तो रूट से सिंपल आपकी एक न्यू प्लांट फॉर्म हो जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पर डहलिया और एस्पैरगस. ठीक है? फिर हम बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेम. अगर स्टेम का छोटा सा पार्ट अगर आप काट के सॉइल में सो कर देते हो तो वहां से एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा, न्यू प्लांट आ जाएगा. उसमें एग्जांपल आती है आपकी बनाना. ठीक है? फिर है लीफ. लीफ में ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम क्या होता है? ब्रायोफाइलम इज अ प्लांट जिसके अंदर क्या है, लीफ के ऊपर एक छोटी छोटी बर्ड्स आ जाती हैं. अगर वो बर्ड टूट के नीचे गिर जाती हैं या मींस वो ऑटोमेटिकली आप काट के उसको लगा देते हो तो विद द हेल्प ऑफ दैट एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट इज बल्बिल. बल्बिल क्या है? एक स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू न्यू प्लांट फॉर्म हो सकता है. एग्जाम्पल में अगावा. ठीक है? नाउ इन सबको पढ़ने के बाद हमें कुछ करेक्टर्स ध्यान में आ रहे हैं. ठीक है? लाइकवाइज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था? कोई दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं था, यूनिपेरेंटल था. इन द सेम मैनर ये भी क्या है? यूनिपेरेंटल है. ये भी क्या प्रोसेस है? यूनिपेरेंटल. ठीक है? एक ही पेरेंट क्या है इसमें? इन्वॉल्व है. ठीक है? नो मियोसिस. कोई मियोसिस नहीं है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, कुछ नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. क्लियर? और इसमें क्या है, कोई मियोसिस नहीं है और कोई वेरिएशन नहीं आ रही है. अगर अगर आप रूट की बात करते हैं, डहलिया की बात करते हैं तो जो जिस प्लांट की रूट आपने लगाई है, जैसे भी डहलिया के करेक्टर हैं पेरेंट रूट में, वही करेक्टर क्या है आपके ऑफस्प्रिंग में आ जाएंगे. तो कोई वेरिएशन नहीं आ रही है. क्लियर? सो दीज आर सम करेक्टर्स. यही सारे करेक्टर्स हैं जिसकी वजह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को कहां रखा गया था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रखा गया था. ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी आर्टिफिशियली. आर्टिफिशियली में क्या है? दीज आर मैन मेड. हम लोग करते हैं इसको किसके लिए? थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाए या न्यू इंडिविजुअल जल्दी फॉर्म हो जाए, मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो जाए. ठीक है? तो इसमें जो टाइप्स हैं, सबसे पहली टाइप होती है आपकी कटिंग. ठीक है? नेक्स्ट आपका जो टाइप है दैट इज लेयरिंग. नेक्स्ट आपका जो टाइप है दैट इज ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग इज वेरी कॉमन. ग्राफ्टिंग जनरली जितनी भी नर्सरीज वगैरह होती हैं वो न्यू करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए ग्राफ्टिंग करती हैं. ठीक है? कटिंग. कटिंग इज अ प्रोसेस जिसमें जो स्टेम है आपका 20 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग छोटे छोटे स्टेम्स काट लेते हैं और उसके थ्रू न्यू इंडिविजुअल को क्या करते हैं, फॉर्म करने की कोशिश की जाती है. ठीक है? एंड इट गिव्स अ गुड रिजल्ट और अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं. ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज लेयरिंग. लेयरिंग में क्या होता है, वही प्लांट. लेयरिंग बेसिकली इज ऑफ टू टाइप, माउंट लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग. ठीक है? तो वही जो प्लांट होता है उसी प्लांट की एक स्टेम को थोड़ा सा बीच में से काट के फॉर्म करने की कोशिश की जाती है. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन अ डायग्राम वे. इन लेयरिंग में क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लांट. दीज आर द लीव्स. राइट? तो लेयरिंग में क्या होगा, जो आपकी माउंट लेयरिंग होती है उसके अंदर क्या है, आपका जो ये आपका स्टेम है उसी स्टेम को नीचे ये सॉइल है, उसी स्टेम को
नीचे रखा जाता है, ठीक, और यहां से उसको थोड़ा सा क्लियर ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहां से एक जो एडवेंचरस रूट्स हैं वो फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, एंड यहां से इस तरीके से रखा जाता है, ठीक है। तो जब ये ऊपर की तरफ स्टेम बढ़ने लगती है, ये वाली स्टेम बढ़ेगी, नीचे की तरफ रूट्स बढ़ेंगी, तो प्रेशर विल जनरेट, और जब वो प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो यहां से इस पार्ट से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो गया। दिस इज अ लेयरिंग प्रोसेस, माउंट लेयरिंग। अब एयर लेयरिंग में क्या होता है, एयर लेयरिंग में विल टेक दिस प्लांट, एयर लेयरिंग में क्या है, जैसे ये स्टेम है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्टेम और उसमें आपके लीव्स वगैरह लगे हुए हैं, तो क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो बीच का पार्ट होगा उसका प्रॉपर जाइलम फ्लोएम को छोड़ के बाहर का पूरे का पूरा पोर्शन जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। उसको रिमूव करने के बाद उसको क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है विद द हेल्प ऑफ यू कैन से पॉलिथिन That is connected, not fully ruptured. पूरा नहीं किया है because अभी तक ये individual खुद से survive नहीं कर पाएगा। अगर पूरा काट देंगे तो इनको nutrition नहीं मिलेगा ऊपर वाले part को, तो वो breakdown हो जाएगा, वो मर जाएगा, die out हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका छोटा सा एक portion उसमें से निकाल दिया जाता है except xylem phloem, ठीक है। तो उसको फिर इस तरीके से पॉलिथीन से बांध दिया जाता है, पॉलिथीन से क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। तो धीरे धीरे आफ्टर सम डेज यहां पे क्या है, रूट्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, फिर वो रूट्स नीचे सॉइल तक चली जाती हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, वो भी ऊपर ग्रो हो रहा है, नीचे रूट्स आ रही हैं तो प्रेशर हो जाता है, यहां से वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस स्टेम से जो आपका ये है प्लांट ए है, प्लांट ए से वो ब्रेक होके अपना एक जो उनकी रूट्स हैं वो सॉइल के साथ यू नो कनेक्ट हो गई हैं, तो वो प्लांट बी फॉर्म कर देगा, तो न्यू प्लांट फॉर्म हो जाएगा इन द सेम मैनर एज इन माउंट लेयरिंग। क्लियर। एयर लेयरिंग में क्या है, जो आपका स्टेम है उसको खुद से नहीं खींच के लगाया जाता सॉइल के अंदर, तो माउंट लेयरिंग में क्या है, वो क्या है, उस स्टेम को सॉइल में लगाया जाता है, उसमें से रिमूव किया जाता है पोर्शन, एंड आफ्टर दैट वो न्यू फॉर्म करता है, जब वो टूट जाता है तो न्यू प्लांट फॉर्म कर लेता है। एयर लेयरिंग में हर एक चीज इन द एयर आपको वो स्टेम में दिखे यहां पे इन्होंने रिमूव किया हुआ है बार्क, ठीक है। इन ग्राफ्टिंग नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में एक्चुअली ग्राफ्टिंग क्यों की जाती है, ग्राफ्टिंग में करने का एक मेन रीजन होता है दैट इज किसी भी चीज की क्वालिटी को इंप्रूव कर देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन ए सिंपल एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट एप्पल, ग्राफ्टिंग एप्पल में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो एप्पल में क्या करते हैं ये लोग, अगर फॉर एग्जाम्पल देर इज अ ट्री जिसमें द नंबर ऑफ एप्पल इज इंक्रीजिंग, जो क्वांटिटी है बहुत अच्छी है, प्लांट ए में जो क्वांटिटी है बहुत अच्छी है, ठीक है, बट जो क्वालिटी है वो डाउन है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट ए, एंड इन दिस प्लांट बी में जो आपकी क्वांटिटी है दैट इज डाउन एंड क्वालिटी इज हायर। क्राफ्टिंग जैसे प्रोसेस क्यों किए जाते हैं, कि जो आपको डिजायर्ड करेक्टर है, जो आपको चाहिए करेक्टर वो मिल सके, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो इन दोनों को मिक्सअप कुछ ऐसा प्लांट बनाना चाहेंगे जिसकी हेल्प से क्या हो, थर्ड प्लांट बने जिसमें क्वांटिटी भी हायर हो और क्वालिटी भी हायर हो, मींस इसमें दो प्लांट इन्वॉल्व होते हैं, क्लियर। तो वो क्या करते हैं, दो प्लांट्स के स्टेम को यू नो पीसेस करके, शॉर्ट पीसेस करके उसको आपस में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, लगाया जाता है। वेट चलिए क्लियर, ये एक्चुअली ग्राफ्टिंग क्यों होती है। फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है,
इट इज कनेक्टेड विद द रूट, तो उसको एक वी शेप में काट दिया जाता है। तो जो नेक्स्ट आपका जो ये प्लांट ए है, तो प्लांट बी का जो स्टेम होगा वो इस तरीके से उसको काटा जाएगा, इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, एंड इट इज बाउंडेड विद पॉलिथिन एंड समथिंग एल्स, राइट। एंड आफ्टर दैट कुछ टाइम के बाद क्या होता है, इनके जो जाइलम फ्लोएम है आपस में मिल जाते हैं एंड दे विल फॉर्म न्यू प्लांट जिसमें करेक्टर्स डिजायर्ड होते हैं, जो करेक्टर हमें चाहिए वो पाए जाते हैं, क्लियर। एंड दिस इज अ प्रोसेस नोन एज ग्राफ्टिंग, क्लियर। इट इज ऑल इन प्लांट्स, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ प्रोपेगेशन इन विच न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एक्सेप्ट सीड्स, सीड के बिना नहीं, सीड के अलावा किसी में भी हो सकती है, ठीक है। नेचुरल में हमने विद द हेल्प ऑफ रूट्स किया है, विद द हेल्प ऑफ स्टेम किया है, विद द हेल्प ऑफ लीव्स किया है, और विद द हेल्प ऑफ बल्बिल्स किया है, ठीक है। ये नेचुरल ऑर्गन्स हैं, नेचुरल पार्ट्स हैं, सॉरी नेचुरल पार्ट्स हैं आपके प्लांट के, जिसकी हेल्प से न्यू प्लांट हम फॉर्म कर रहे हैं, सिंपल। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में क्या है, कटिंग, कटिंग में क्या होता है, स्टेम की छोटे छोटे पार्ट्स काटे जाते हैं और उनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है एंड जिसकी हेल्प से न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है। लेयरिंग, लेयरिंग इज अ प्रोसेस जिसमें प्लांट से कुछ चीज काटी नहीं जाती है, लेकिन प्लांट्स की स्टेम को ही इस तरीके से मोल्ड किया जाता है, उनका पार्ट्स आउटर बार्क एंड एवरीथिंग इज गेट रिमूव्ड सो दैट उसमें से एडवेंचरस रूट्स आ सके, और उसको फ्री छोड़ दिया जाता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़े टाइम के बाद वो क्या होता है, ग्रो हो जाता है, न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दो स्टेम एंड द पार्ट्स ऑफ टू स्टेम्स लिए जाते हैं, दो प्लांट के सेल पार्ट लिए जाते हैं और एक उसमें सीजन होता है और एक स्टॉक, ठीक है। दिस पार्ट इज नोन एज सीजन एंड दिस इज स्टॉक, ठीक है। तो उससे क्या है, एक न्यू प्लांट क्या है आ जाता है, जिसमें न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ करेक्टर्स, डिजायर्ड करेक्टर जो हमको चाहिए वो मिल जाते हैं, क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब ये करते क्यों है, इसका क्या एडवांटेज है, इन जो पार्ट्स का जो हम कर रहे हैं इनका एडवांटेज क्या है। इसका एडवांटेज, सबसे मेन एडवांटेज ये है कि जो प्लांट्स सीडलेस होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। उनसे न्यू प्लांट को फॉर्मेशन करने में ये हेल्प आते हैं। सीडलेस प्लांट कैन इजिली रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ दीज, विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टिश्यू प्रोपेगेशन। टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपेगेशन, अब इसमें क्या है, टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपेगेशन इज वन एंड द सेम थिंग। इसमें क्या होता है, इसमें द प्लांट, न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड इन अ सेप्टिक कंडीशन, इन अ कल्चर, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कल्चर, मतलब लैब कंडीशंस में प्लांट को प्रोड्यूस किया जाता है, प्लांट को बनाया जाता है, ठीक है। इसमें व्हाट इज एग्जैक्टली द प्रोसेस, इसमें क्या है, पहले एक सम स्मॉल यू नो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्लांट सेल लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल दीज आर प्लांट सेल्स, बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्लांट सेल लिए जाते हैं और इनको एक कल्चर में रखा जाता है, ठीक है। इट इज पुटेड इन टू द कल्चर, कल्चर में रखने के बाद जब ये सेल्स, जब प्लांट सेल डिवाइड होते हैं तो दे फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। उस चीज को स्पेसिफिकली बोला जाता है कैलस, जब ये ग्रुप ऑफ सेल बन जाते हैं, ठीक है। अब ये ग्रुप ऑफ सेल बनने के बाद क्या होगा, इनकी जो कल्चरिंग होती है वो बार बार, इनका जो कल्चर होता है उसको अपडेट किया जाता है, कल्चरिंग चेंज की जाती है,
नाउ उसके बाद क्या है, जब ये कैलस आगे आगे इसकी ग्रोथ होती है कैलस की, उसके बाद इसमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कुछ हॉर्मोन्स लाइक ऑक्सिन एंड साइटोकाइन. ठीक है, काइन राइट. तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जैसे हार्मोन क्या है, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. इंट्रोड्यूस करने के बाद ये कैलस जो है इसमें ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ प्रोसेस जो होती है रेप्लिकेट करनी स्टार्ट हो जाती है. जल्द द कैलस विल फर्दर डिवाइड इन अ हायर स्पीड. फिर उसके बाद आते हैं प्लेटलेट्स फॉर्म हो जाते हैं, सॉरी विल फॉर्म प्लेटलेट. ठीक है, अब ये फॉर्म होने के बाद मींस जो आपका कैलस था उससे क्या है, हल्के हल्के लीव्स जो हैं वो फॉर्म होने स्टार्ट हो गए हैं. एंड देन इट विल सो इनटू अ सॉइल. इसको सॉइल में रख दिया जाता है और सॉइल से फिर क्या हो जाता है, एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है, न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है. ठीक है, अब इसमें इस पूरे प्रोसेस में एक ही ड्रॉबैक है, दैट इज हमें इसको बहुत ही सेप्टिक कंडीशन में रखना पड़ता है. न्यूट्रिशन हॉर्मोन्स एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन टू द पेट्री डिश और जो भी आपका वो है उसमें इन एग्जैक्ट मैनर. हर एक चीज बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए. ठीक है, एंड आफ्टर दैट न्यू इंडिविजुअल जो फॉर्म हो जाएगा. अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इसके बेनिफिट्स ये हैं, जो भी आपको प्लांट चाहिए, जिस करेक्टर्स के साथ चाहिए, जो जो आपको करेक्टर्स चाहिए वो इजिली आ जाते हैं. सेकेंड पॉइंट इज जो आपका ये प्रोसेस है इसको कैरी आउट करने के लिए बहुत जगह की जरूरत नहीं है, ओनली वन रूम इज सफिशियंट फॉर दिस होल प्रोसेस. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टिश्यू कल्चरिंग एंड माइक्रो प्रोपेगेशन. माइक्रो प्रोपेगेशन मीन्स, माइक्रो का मतलब होता है छोटा. तो वी विल स्टार्ट दिस विद प्लांट सेल, बहुत थोड़े से प्लांट सेल से हम स्टार्ट करते हैं, तो इस वजह से इसका नाम क्या है, माइक्रो प्रोपेगेशन. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टिश्यू कल्चर एंड माइक्रो प्रोपेगेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. दिस इज द रिप्रोडक्शन ऑफ plants, asexual reproduction of plants. Next, in next lecture we will discuss about the sexual reproduction of plants. Right? Okay.